ये फरमाइएगा कि आज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इंडिया के वजीर आजम मोदी के दरमियान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान, तो आप क्या कहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की जो सरमायाकारी कितनी थी और अब अमरीका वहां से निकल रहा है, इंडिया क्यों परेशान है? सूरत हाल असल में ये है कि अफगानिस्तान से जैसे ही अमरीका ने निकलने का फैसला किया है तो हिंदू दुनिया को पतंगे लगे हुए हैं। मसला ये है कि भारत ने वहां कुछ 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के हल के मसले में भारत जो मुशावरत की आउटर लेयर होती है ना, जो जिन मुल्कों को सिर्फ इस बुनियाद पे ही मुल्क में ले लिया जाता है कि चले ये लोग भी हमारे रास्ते में होंगे, वो उनमें भी नहीं है। यानी वो क्या कहते हैं, 3 मिला 13 में वो किसी भी खाते में नहीं है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। तो अब उसको ये नजर आ रहा है कि उसने पूरी दुनिया में जरारत भी कमाई और वहां से पाकिस्तान के हमले करवा के दहशत गर्दी का इल्जाम भी लिया, 3 बिलियन डॉलर जो है वो भी उसका एक तरह से डूब गया ना, कि वो सरमायाकारी तो उसने की थी कि वहां पंजे गाड़ के पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा, लेकिन जब वो अमरीका वहां से निकल जाता है तो अमरीका के ये मगर बच्चे वहां कहाँ रहेंगे? तो उसको तो अपना सारा सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और उसके ऊपर एक और तमाशा ये हो गया कि आज से 6 दिन पहले अफगानिस्तान में जो इंडिया की सरमायाकारी है उस पर ट्रंप ने अच्छा खासा मोदी की क्लास ली है। वो आपने पढ़ी सुनी होगी कि मोदी ने मजाक उड़ाया कि सॉरी ट्रंप ने मजाक उड़ाया कि मोदी वहां लाइब्रेरियां बनाता फिर रहा है, इससे पूछे वहां पड़ेगा कॉलेज की लाइब्रेरियों को। उस पर भी मोदी की अच्छी खासी क्लास हुई इंडिया के अंदर, मीडिया ने मोदी को रुसवाद दिया टिका के। तो इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए मोदी साहब ने आज खुद फोन किया है ट्रंप को। अच्छा। मैंने इंडियन मीडिया भी देखा है, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया भी देखा है, इंडियन मीडिया तो इस बात में खामोश है कि फोन आया किसका, लेकिन आप सीएनबीसी और बाकी चैनल्स मीडिया को देखें वो कहते हैं कि मोदी साहब ने फोन किया। और यकीन मोदी साहब ने यही अपनी दुहाई देने के लिए फोन किया कि भाई साहब हम डूब गए और आप भाग रहे हैं, हमारा क्या बनेगा? तो उस पे भी मेरे दोस्त राय है, वो ये हमारे हैं कह रहे हैं कि मोदी को किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई वहां से। इंडियन मीडिया ने कहा कि ट्रंप की गुफ्तगू से ऐसा कोई जाहिर नहीं हुआ कि ट्रंप अपनी आधी फौज निकाल रहा है, लेकिन अमेरिकन मीडिया कहता है कि ट्रंप ने इस बात को वादा किया है कि वो अपनी आधी फौज निकाल रहा है। जो फोकस रहा आज की उनकी गुफ्तगू का, इंडियन मीडिया अपने अवाम को तसल्ली देने के लिए और अपने अवाम को अपनी जालसाजी के लिए वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के इशू पे बात हुई, लेकिन अफगानिस्तान के इशू पे मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 दिनों से ज्यादा बात हुई होगी। असल जो बातचीत रही है वो रही है इंडिया और अमरीका के दरमियान तजारती मामला पे।